तेरी वाणिया व्याज है। क्यों? वे सारी की सारी बाल देवक पुण्य से मिलती है और वह पुण्य भगवान नरेंद्र देव की चरण कमलों की भक्ति से होता है। क्या तेरे हृदय में भगवंतों के प्रति भक्ति है तो बिना चाहे और बिना मांगे देवों मिले। और ये तेरे हृदय में इन भगवंतों के प्रति भक्ति नहीं है तो चाहने पर नहीं है। आपने पढ़ा होगा पुण्य हृदय में क्या आ जाता है और पाप हृदय में क्या आ जाता है। पाप के उदय में चाहने से ही नहीं मिलती शांति और पुण्य के उदय में बिना चाहे मिलती है बिना मांगे मिलती है। अब तू पुण्य से दूर रहता है वैभव को चाहे तो वैभव की चार व्यर्थ नहीं। अरे नया वैभव को क्या मिले? ये वर्तमान का वैभव है। यह भी अगर वीतराग देव गुरु साथ से दूर रहेंगे तो ज्ञान से दूर रहेंगे यदि हम अपने सदाचरण से दूर रहेंगे तब विचार नहीं होंगे तो ये वैभव भी हमारा चला जाएगा। चलने से नहीं मिलती सवेरी चर्चा की थी भाई कि भोगों की चाह पाप है और भोग के सामने मिलती है पुण्य की ओर है। मतलब भोगों को चाहने से भोग नहीं मिलता परिग्रह को चाहने से परिग्रह नहीं मिलती पद प्रतिष्ठा को चाहने से पद प्रतिष्ठाएं नहीं मिलती। ये सब पुण्य से मिलती है बाहर की ओर। अब कहते हैं पुण्य चाहने से पुण्य नहीं होता पुण्य होता है धर्मान राग को। विकारी देव गुरु धर्म की भक्ति से भक्ति का मतलब क्या है? उनके गुणों में अनुराग होना उनके गुणों में अनुराग का अर्थ क्या है? उन जैसे गुणों को प्राप्त करने की भावना होना। अनुराग माने उसे इष्ट जानकर जानना ऐसी वीतरागता को इष्ट जान करके जानना यह है पुण्य भाव। हे भगवान हमें ऐसी वीतरागता हो एक उत्कृष्ट पुण्य की बात। मोक्ष दृष्टि सच पूछो तो जो चाहने लायक है वो चाहता नहीं है और जो न चाहने के दूर भगता है उसे चाहता है। विचार करो पेड़ से दूर रहकर छाया की वांछा करने से क्या रहा है? कोई व्यक्ति पेड़ से दूर रहकर छाया की वांछा करे तो क्या लाभ होगा? वांछा करने पर भी नहीं मिलेगी ना। और पेड़ के समीप आकर छाया की वांछा न भी करे तो भी क्या हानि है? पेड़ के समीप आकर हमें छाया नहीं चाहिए करूं बोले और पेड़ से दूर रहकर हमें छाया चाहिए करूं नहीं है। पेड़ तो एक सामान्य पेड़ है। मैं सवेरी आपको कहा था कल्प जो विधान कर रहे हैं कल्प जो का मतलब कल्प व्रत होता है जो मानी व्रत नहीं होता है। विचार करना
कभी भाषा से बोलना, कल वृक्ष कहां कहां होंगे, स्वर्ग में भोग भूमि में और समावर्तन में, लेकिन उन कल वृक्षों से हमें क्या बोले। ज्ञानी कहते हैं कल वृक्षों से जो मिलता है उसकी हमें वांछा नहीं है, और जो हमें चाहिए वो कल वृक्षों से मिलता है। अरे कल वृक्ष समोसरण में होते हैं, समोसरण स्वयं कल वृक्ष है, और समोसरण कल वृक्ष है तो जिनका समोसरण है वे स्वयं कल वृक्ष है। विचार करना, आपने पढ़ा होगा धर्म को कल वृक्ष कहा है, धर्म को कल वृक्ष। बारे भावनाएं पढ़ो, नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ो, पढ़ो तो सही। जाते रहे सुनकर देव चिंतत चिंता रहे, बिन जाते बिन चिंतए खत्म हो गए। विचार करो धर्म कल वृक्ष है तो धर्म धर्मात्मा से रूप होता है, तो धर्मात्मा ही कल वृक्ष। ज्ञानी कहते हैं भगवान हमें उन कल वृक्षों से क्या प्रयोजन, हमें उन कल वृक्षों से क्या प्रयोजन जिनसे हमें सुख शांतता न मिले। हमारे कल वृक्ष तो आप हैं जो हमें मुक्त मार्ग दर्शाते हैं, सुख शांतता का उपाय दर्शाते हैं। ये हमारा व्यवहार है, ये हमारा व्यवहार है। अगर भगवंतों से दूर रहकर आप चाहे सुख शांतता मिले कहते मिले, और समीप जाकर के समीप आकर के यदि नहीं भी चाहे तो समृद्धि चाहिए, चाहे पद प्रतिष्ठा चाहिए है, चाहे यश चाहिए, चाहे भोग चाहिए, ये कोई चाहने लायक बात नहीं है। सच बात तो ये है कैसे लिए चाहिए बोलो भाई। जीव का मूल प्रयोजन सुखी होना है, एक मोरल व्यक्ति है जो इनमें सुखी कल्पना है, इसमें सुख के लिए वो चाहता है। भगवान किसी को नहीं चाहिए। आपको मालूम पुराने प्रश्नों का व्यापारी का प्रयोजन क्या है, मैं कमाना बिल्कुल गलत, अरे बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन जिस चर्चा में हम कर रहे गलत है। क्यों व्यापारी का प्रयोजन धन कमाना है तो धन खर्च क्यों करता है, और कैसे भी धन कमाना चाहता है, कमा कमा कर भी रखता है कोई ऐसा व्यापारी है, फिर वो खर्च करता है। कहां खर्च करता है, किसमें खर्च करता है, जिसमें उसे सुख की कल्पना होती है। कैसी मेहनत थी, कैसी छल प्रपंचों से, कैसी कैसे इतना इतना जोर जोर करके पैसा इकट्ठा करेगा, और यहाँ सुखी कल्पना है पानी की तरह बाहर। भैया ने सोच समझ लो पैसा होता है, पैसा होता है व्यापारी का प्रयोजन धन कमाना नहीं। विचारना एक और व्यापारी का सीजन चल रहा हो, कमाई के दिन हो, और एक को शरीर में बीमारी हो, बोलो काय के लायक करी करो, कितना ही पैसा खर्च हो गया, ठीक होना चाहिए, आराम देना चाहिए। तो विचार करो अंत में आरामी की बात है, सुखी तो बात है। ये जीव को धन से सुख की कल्पना जुड़ी हुई है, इसलिए धन की वांछा होती है,
वास्तव में धन की वाणिया किसी को होती है, किसको, जिसको समझ में आया है धन से और सुख का कोई संबंध नहीं। सूत्र बोला तृष्णावनम धनी भी दुखी, तृष्णावनम धनी भी दुखी, तत्वज्ञानी संतोषी निर्धन भी सुखी, और धन के बिना मुनिराय परम सुखी। अरे धनियों में प्रधान किसको कहोगे आप, आगम से बोलना, चक्रवर्ती इंद्राज को, निर्गंधों के चरणों में झुके हैं, निर्गंध पद की भावना भाते हैं। अगर धन सुख का कारण होता पीठन कर क्यों त्यागे, विचार कर मिलता है आप विद्यार्थी का प्रयोजन क्या, तो परीक्षा पास कर रही, फिर क्या करोगे उसे पूछो, ये पढ़ाई करेंगे, फिर क्या करोगे, फिर ये पढ़ाई करेंगे, फिर क्या करोगे, धन कमाएंगे और फिर क्या करोगे, आराम से है तो आराम के लिए ये सब नहीं चाहिए, आराम के लिए चाहिए तत्वज्ञान का अभ्यास। सच कह रहे भाई, तत्वज्ञान हो तो अपने आप संतोष आता है, थोड़े से साधनों में, सामान्य के घरों में बड़ी सुख शांति से रह सकती हो, और अगर तत्वज्ञान नहीं है, संतोष नहीं है, तो चाहे कहीं जाओ हर हाल में जिंदगी टेंशन की जिंदगी। आपको कहा था ना आराम में दो ही तो शब्द हैं, आ और राम, जीवन को आराम चाहिए, राम की ओर आओ, अपने आत्मनाम को पहचानो, अपने आत्मनाम की आराधना करो, इसके बिना सुख की समस्त कल्पनाएं मिथ्या है। और पंडित जी के शब्दों में बोलो टूटे मर्जी के सुखी होने के समस्त उपाय बनते हैं, लगता है एक शब्द सुना है तुमने, मृग का सुना, मृग मरीचिका क्या होती है, रेगिस्तान में सूर्य के किरणों के कारण वो वायु चमकती है, तो दूर से वो पानी ऐसा लगता है, अच्छी सड़कें भी बनी हो तो वो दूर से पानी ऐसे लगती है ना, रेगिस्तान देखे नहीं इसलिए बता रहे, विचार करना। अब वो मृग क्या था, पानी के लिए दौड़ता है और दौड़ता ही जाए, दौड़ता ही जाए, क्यों, जब पानी नहीं है तो दौड़ता क्यों, जब पानी नहीं है फिर भी पानी दिखता है, और कहां दिखता है, जहां खड़ा है वहां दिखता नहीं, दूर दिखता है, और वहां पहुंचता है तो उतनी और दूर दिखता है, और जहां पहुंचता है तो उतनी और दूर, मतलब वो भी दौड़ता जाता है और पानी भी है ही नहीं, लेकिन पानी का जो भ्रम है वो भी एक तरह का दौड़ता है, वो पानी के पीछे दौड़ता है और पानी की जो पानी ऐसी जो चमक है वो आगे आगे दौड़ता है। सचमुच यही कहता है, अज्ञानी मुनि प्राणी वैभव के पीछे दौड़ता है और वैभव आगे आगे दौड़ता है। वैभव जितने पानी गिरना बंद होता है नहीं और पानी मिलता नहीं, क्या मिलता है, मर तरफ तरफ करके वो अंत में मर जाता है। देखना तत्वज्ञान सुनने विषयों के पीछे दौड़ने वाले, चाहे धन के पीछे दौड़ने वाले, चाहे पद प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ने वालों की अंतिम यही दशा होगी। वो तो मिले ना, जब है भी तो मिले कैसे,
जितना है उसमें नहीं दिखता, उसे सौ उससे ज्यादा नहीं दिखता है। यहाँ है वहां नहीं दिखता, उसकी आगे दिखता है। यहाँ क्या है? अरे भाई जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, और यहाँ जिनेन्द्र भगवान की दर्शन हो, जिनवाणी का स्वाध्याय हो, संयम के साधन हो, और वहां यदि किसी को ये लगे यहाँ क्या है, तो इससे ज्यादा पाप बनने का कारण दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ क्या है? अरे भगवान जिनेन्द्र देव की दर्शन है, जिनवाणी का स्वाध्याय है, संयम की साधन है। कमाई थोड़ी है तो खर्चा भी थोड़े है, घबरा मत। मालूम है एक 22-23 वर्ष का युवक एक बार एक आध्यात्मिक संत के समीप आया, सुनकर के विभूर हो गया, जीवन में करने लायक हो गई क्या आत्म आराधना, आत्म साधना प्राप्त करने योग्य पर असमर्थ है। मन भागा बात तो यही है, कितने जीवन खोए हैं, लेकिन 22-23 वर्ष की उम्र सोचता है कुछ पैसा पहले कमाना चाहिए, कुछ स्थिरता करना चाहिए। मोह की जलती बड़ी गहरी है, तो नमस्कार करके और फिर सोचा महाराज क्या करें, भाव तो बहुत होता है और लगता तो ये यही करने लायक है, लेकिन कुछ व्यवस्था तो है नहीं उस तरह की, हमारे घर में करना है कुछ। हमारी मालूम है क्या था भैया, जीवन तो छात्र रूटी में चल सकता है, जीवन चलाने के लिए कितना चाहिए, और वह भी उन्हें उन्हें प्रमाण सहज मिलता है, चलने से नहीं मिलता। ये चर्चाएं पहले की करती है अपन, देखो भाई भोगों से सुख नहीं मिलता है, धन से भोग नहीं मिलते, होने बिना धन नहीं मिलता, वितरागी धर्म को समझे बिना वास्तविक पुण्य नहीं होता, और आत्मा के आश्रय बिना आत्मा को पहचाने बिना धर्म नहीं होता। अब आत्मा को छोड़कर आप क्या चाहते हैं? आत्मा के आश्रय बिना धर्म नहीं होता, अब इधर भी चलो, और धर्मात्मा के बिना पुण्य नहीं होता, और पुण्य के बिना ये युग तुम चाहते हो भी नहीं मिलते, लोग संयोग धन धन सेवा पद प्रतिष्ठा भी नहीं, और उन पुण्य के मिल भी जाए तो आपको एक दर्शन दिया था आयुर्वेद का, जैसे बाकी भोजन कभी कभार करने बात अलग है, लेकिन वास्तविक भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही तो है। तो ये जितने भी भोग संयोग है ये वास्तविक भोजन की तरह ही तो है भाई, कर्म के फल में मिलने वाले जो भोग संयोग सामग्री है थोड़ा बासी भोजन है, स्वरूप करने के उद्देश्य में तो बासी भोजन तो है, भोगने लायक नहीं है। भोगने लायक तो वर्तमान के पुरुषार्थ से, क्या कहा, वर्तमान के पुरुषार्थ से अपने उपयोग को तत्व ज्ञान के अभ्यास में लगाते हुए, भेद ग्रहण करते हुए, अपने
खूबियों को अंतर्मुखी करें और आत्मा के अनुभव से उत्पन्न आनंद वह सचमुच भोग में आए। बाहर के पद पुण्य के उदय में प्राप्त हो जाए तो अभी छोड़ने लायक। तत्व ज्ञान के अभ्यास थे, भेद ज्ञान के अभ्यास थे, अपना शुद्ध चैतन्य पद प्राप्त करने में का रचो पर पद में न फिर पद यह क्यों दोष है। अब दौर हो सुखी स्वपद रज धाव मत विचार करो, न जाने क्या क्या चाहता है। विचार करना बीज बोए बिना फल मिलेगा फूल तो मिल जाए पत्ते तो मिल जाएंगे भैया तो पत्ते भी नहीं मिलेंगे क्यों। आम का फल आम के बीज बोए बिना नहीं है ये तो ठीक है, लेकिन आम के बोर फूल वे तो मिल जाएंगे हम मृत्यु में बीज बोए बिना। अच्छा पत्ते तो मिल जाएंगे भैया अरे भैया बीज बोए बिना हमके पत्ते नहीं मिले ऐसे धर्म को समझे बिना धर्मी को पहचाने बिना अरे इंद्रिय सुख और मोक्ष तो नहीं मिलना इंद्रिय सुख नहीं मिलना ये पत्ते और भूल है इंद्रिय सुख समझे मोक्ष तो नहीं अरे मोक्ष नहीं मिला नहीं अरे जे तुम चाहते जे भी नहीं मिलेगा भगवंतों से दूर रहता है जिनवाणी से दूर रहता है तीसरा बात बोलो तत्व ज्ञान से दूर रहता है चौथा बोलो संतोष से दूर रहता है पांचवा बोलो संयम से दूर रहता है मोक्ष तो नहीं मिलेगा संसार में जो आप चाहते वह भी नहीं मिलेगा केवल क्लेश मिलेगा केवल क्लेश। जितनी जितनी सुख की वांछा होगी उतना ही सुख दूर जाएगा। जितना जितना आप चाहेंगे इन लोगों को उतनी दूर भैया जानना अकेला फल धर्म के बिना नहीं मिलेगा ऐसा मत समझना। अब हम पढ़ते समय एक बार विचार आया आचार्यों ने पुण्य के फल को भी धर्म का फल कहा कि जरूरी है तो उसमें दो लाइनें आई गर्दी में बताते हैं जो जो तुम्हें असुंदर लगता है असुहावना लगता है रुचिता नहीं है वह सब पाप रूपी वृक्ष का फल है। गंदगी रुकती है बीमारी रुकती है दरिद्रता रुकती है अपमान रुकता है नहीं रुकता ये सब तुम्हारे ही पाप का फल है। जो जो तुम्हें नहीं रुचता वह तुम्हारे ही पाप का फल है पाप रूपी वृक्ष का फल। इस जगत में जो जो असुंदर असुहावना संयोग सामग्री है वह पाप रूपी वृक्ष का फल समझना चाहिए। ठीक है अब दूसरा बात जगत में जो जो सुंदर और सुखदायी लगता है वह धर्म रूपी वृक्ष का फल समझना है। ठीक है अब जगत में जो सुंदर और सुखदायी लगता है वह धर्म रूपी वृक्ष का फल ठीक कहा और विनायक पुण्य रूपी वृक्ष तो ये
धन वैभव अच्छा लगता है, पद प्रतिष्ठा अच्छी लगती है, सुंदर स्वस्थ शरीर अच्छा लगता है, मान सम्मान अच्छे लगते हैं, भूख संभूख अच्छी लगती है, ये सब पुण्य की कुर्सी फल है। और कहे ये धर्म के फल, क्यों कहा? पुण्य के फल को धर्म का फल क्यों कहा? कि जीव को पुण्य में नहीं लगाना है, धर्म में लगाना है, एक बात। दूसरी बात, जो पुण्य है ना उस वह धर्मानुसार से होता है, हमें तो पुण्य चाहिए, इस तरह का नहीं पुण्य, पुण्य नहीं होगा। सुनो, ये सूर मोटे रूप में भी पुण्य तब होगा, कैसे होगा? आपका दया, नाम, सील, संयम, ऐसे उदारता, क्षमा, संतोष, इन्हीं से तो होगा पुण्य। ये सूर मौत मोटे रूप की बात कर रहे हैं, अभी बताओ दया करवाएगा, जब जीव को जीव समझोगे तब दया आएगा, और अगर जीव को दूसरे जीवों को जीव नहीं समझोगे तुम्हारे परिणाम कठोर हो जाएंगे, जीव बिल बिला करके मरते रहेंगे और आपको अपने आनंद से बढ़िया 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 बहुत सुंदर पश्चात आपको कभी दया नहीं आ पाएगी। और जीव को जीव समझेंगे आपको है जीव क्या कर रहे हैं, विचार करो नेम कुमार की बड़ा आपने अभी दो दिन पहले क्या की थी, बताया बड़ा देव में सवाल है बैराग देखे कोई नहीं, अरे मित्र नेम कुमार की बैराग बड़ा कितने लोग थे, दस पांच लोग तो होंगे बारात में, तो सौ लोग हैं तो होंगे विचार करो, वो पशुओं का घेरा सबने देखा होगा, पशुओं का घेरा क्या नैन कुमार ने देखा और किसी ने नहीं देखा? नैन कुमार के हृदय में ये दया का परिणाम क्यों होगा और उनके हृदय में क्यों नहीं होगा? हम ये प्रश्न कर रहे हैं, नैन कुमार ने अपने जीवन में अपने में सिद्धत्व की स्थापना और सर्व जीवन में सिद्धत्व की स्थापना, उनके अंदर भैया ये कैसे रुके हैं, ये कैसे रम्मा रहे, ये आवाज कौन सी आ रही है, ये करुण कर्णन कैसा, ये कौन सा गीत है महाराज बरात के निकलने के चक्कर में इनको रोक दिया गया, बेचारे रुके जब तक निकल जाए तब तक रुके, बछड़े उधर थे वो बेचारे उधर से रंग मारे, इधर से रंग मारे, दूसरी कल्पना भी प्राण की पड़ी होगी आपने, वहां तो और ज्यादा बरात में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका हार विकृत है उनके लिए, अरे क्या ये तो हो नहीं सकता, एक बार मिला तो इसमें कौन सी बड़ी समस्या थी, बुलाते इधर आप मुर्मा इनको छोड़ो पहले निकल जाए उसकी बात बताए खत्म किया, इसमें कौन बड़ी बात है, उनकी बात इस समय कौन डालता, ध्यान किसी को बुला दे रहा भाई ये पहले इनको निकाल बड़ा दुष्ट बात है हमारा क्या, लेकिन ये कौन सा तरीका है, ये ज्ञानियों की तरीका ज्ञानियों की लोगों से दया है, अरे पशुओं पर दया एक और पशुता पर दया
पशुओं पर दया। एक बार में बहुत मशहूर हो गई, लेकिन पशुओं पर भी दया कब आएगी? यह पशु अरे ये हमारी तरह जीव हो जाए, यदि हमको कष्ट होता है कोई हमें मान लेगा, हमारा भोजन पान रोक देगा, हमारे बाल बच्चों को अलग कर देंगे, हमको कष्ट होता है तो इनको भी कष्ट होता होगा। ये बहुत मोटी ही बात है, बात तो कुछ और भी है। उन्नाथ के चिंतन में ज्ञानी जी थे, चिंतन कर दी थे। अरे जैसे ही आत्मा से विराजना, आत्मा के विराजना से खुशी हो रही है, इसीलिए जी भी आत्मविरा। पशुओं का बंधन तोड़ने के लिए, पशुओं का बंधन देकर के अपने बंधन को पहचाना और अपने बंधन को तोड़ने के लिए तैयार हो। जो अपना बंधन तोड़ने के लिए तैयार है, उसके द्वारा दूसरे के बंधन को अपने आप टूट जाएंगे, निमित्त अपने आप हो जाएंगे। जगत के कल्याण में निमित्त हुआ स्वयं ही बन जाता है, सहज रूप से बन जाता है। कौन? जो आत्म कल्याण में साधन है। विचार करो और स्वयं भी चल करके करें। और इसी प्रसंग में एक लाइन और कही थी, पहले भी कही थी। बोलो, एक प्रश्न आया एक भाई का, महाराज समझ में नहीं आया नयन कुमार का चरित्र। हमने कहा समझ में आएगा भी नहीं, अंतर्दृष्टि के बिना, अंतर्दृष्टि के बिना, तत्व ज्ञान के बिना नयन नाथ का चरित्र तो समझ में नहीं आएगा। बोले पूछो क्या बात है, बता। कि साहब पशुओं पर दया और राजू पर दया नहीं करी, वो विचार का क्या होगा? दे नहीं सोच, पशुओं पर दया तो पशु से ही कई नीति आए हैं, आखिर राजू पर भी तो दया करी थी, उसका क्या बन जाए? अब चुप प्रश्न आ गया तो उत्तर तो देना ही, इनका कौन कहता राज पर दया नहीं? राजू पर दया क्यों नहीं की कौन कहता है? चुपचाप इशारे में कह गए, राजू भोगों का मार्ग सुख का मार्ग नहीं है, सुखी होना हो तो आएगा। और वह राजू इशारा समझ गई और रोने नहीं गई, लोग समझाने लगे, बहराने फुसाने लगे, अरे नील कुमार जाए तो जाने दो, दूसरे और राजकुमार भी नहीं, अरे बात राजकुमारों की नहीं है, बात आत्म कल्याण की है। विचार तो करो, सारी बातें मुख से भाषा से ही नहीं कही जाती। लौकिक क्षेत्र में भी बहुत सी बातें आंखों से कही जाती है, विचारों से कही जाती है। बोलो के मुंह से तो कुछ नहीं था, बहुत से लोग मन लेकर के न जाने क्या क्या करते रहते। भाई मौन तो अवसर होता है जब अंतर में इच्छाओं का निरोध हो, जब चित्त में शांतता हो, तीसरा तत्व और चित्त में गहरा है, तत्व ज्ञान के बिना, देह और आत्मा के भेद ज्ञान के बिना, विषयों से वैराग्य के बिना, अंतर की शांतता के बिना मौन क्या हो, कैसे होगा, क्या होगा? विचार करो, भोजन मौन से करने बैठे हो, भीतर भीतर अपने को नहीं किया तो दुखी हो रहे, ये मौन नहीं है, ये मौन का उपहास है, ये ब्राह्मण है। भोजन से व्यस्तता ना हो, चित्त में शांतता ना हो, नित्य आनंद की अमृत का भोजन ना हो, काय के बल पर मौन होगा? ये तो बीच की प्रसंग आ गया। बात ये है, राजू को भी थोड़ा सा रोना आया, रोना आया,
नैन कुमार जब गए शिक्षा लेने के लिए तो आंखों में आंसू आ गए और दूसरा विवाह करने को तैयार नहीं। फिर ये आंसू क्यों आए? दुख के क्या दुख इसका है कि हम इतने देखते देखते रहे और हमको नहीं दिखाई और मैंने अभी देखा मैंने। मूल बात यह है और राय मैंने सुना कि समय भी नहीं देना विचार है। कोई वस्तु आप एक घंटे से ढूंढ रही देख रही और ये आए भैया और इन्होंने अपने अपनी आंखों पर दर्द भी आता है और इनके ऊपर प्रसन्न रखे भैया प्रमाची आए हम तो इतनी देर से देख रहे। पशुओं को रोके हुए कितना समय हुआ है? कितने लोग देख रहे हैं? उनको दया क्यों नहीं आई? हेम कुमार को दया क्यों आई? और अधूरी दया क्यों नहीं आई? पूरी दया क्यों आई? पूर्ण प्रदर्शन अंदर दृष्टि केवल वो बाहर का वर्णन दुख का कारण नहीं दिख रहा था, कर्म वर्णन दुख का कारण दिख रहा था और मोह का वर्णन दुख का कारण दिख रहा था। भाई बाहर का वर्णन आज छोड़ दी, निकाले पशु को निकाल मार कर छोड़ने का निबंधन न पड़ जाए। कर्म बंधन के अभाव के बिना ये बाहर के बंधन भी स्थायी विषय तो छूटते नहीं। एक बंधन छूटे दूसरा बंधन तैयार, दूसरा बंधन छूटे तीसरा बंधन तैयार और मूल के बंधन के टूटे बिना कर्म बंधन नहीं। नैन कुमार ने अंतर हृदय को समझा था इसलिए उनके हृदय में दया भी आई और इतनी हल्की दया भी आई कि अगर पशुओं को छोड़ दिया और अपन विवाह करने के लिए ये कोई समाधान नहीं है। स्वयं वैराग के लिए चले गए और जगत को वैराग का संदेश दे गए। हे जगत के जीवो, सुखी होने का एकमात्र उपाय पर से विरक्त का पर अपने स्वरूप की साधना है, दूसरा कोई सुखी होने का उपाय नहीं। क्या कहते हैं जगत के जी क्या मांगते हैं और मांगना नहीं आता, वांछा करना नहीं आता। विचार करो कि मिच्छत दान होता है इस कल्प द्रुम विधान चक्रवर्ती है साक्षात संवसर में भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा करता है और उस समय कि मिच्छत दान माने जिसे तो चाहिए विचारना ऐसी ऐसे स्थान पर पहुंचता है और कोई भी कुछ छोटी हल्की सी चीज मांगे ए भैया ठंड बहुत है कोई फटो पुरानो कमरा हो तो दे दे। अब बता मूड है कि नहीं है? फटे पुराने बूढ़ा मन है गाल घंटे तो दे दे भैया बताओ। वो कह रहा है जो चाहिए तो ले आओ, अरे फटे पुराने पूरा हो तो दे दे तुम है कोई बात ही नहीं है। रूखी रखी रोटी को टुकड़ा हो तो दे दे। अरे ये तो दस्तान हम अच्छे पी रहे हैं साथ में तो खरी का टुकड़ा नहीं। एक चिंता मन है मन के खल क्यों का सार विचार करो। एक कवि ने भगवान की भक्ति करते हुए लिखा मांगना यद्य बुरा, मांगना बहुत बुरी चीज है, कमाकर के खाना सीखो, कमाता की खाना सीखो मांगो मत, बड़ी दया आती है। याचना करते हुए लज्जा नहीं आ रही तुम्हें?
कि अपने भाग्य और पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है। तो कभी ने कहा मांगना यज्ञ बुरा, समझा दिया मैं इंद्रवास, मांगना यज्ञ बुरा, समझा दिया मैं उम्र भर। यद्यपि मांगना बुरा है ये समझते हैं और फिर भी मैं जिंदगी भर मांगते रहते पानी डालना हमारी बोलते करना निर्भर मांगते तो है विचारना। जब तक ये भी अपने अंतरंग में आत्मा की आस रहती रसमग्रह की कमाई नहीं करता, अतिवीर सुख को प्राप्त नहीं करता, तब तक विकारी ही रहता है। एक जोर दिया पंच इंद्रिय मानने वाले को विकारी कहते हैं और पंच इंद्रिय के विकारी विकारी नहीं है। पंच इंद्रिय के विषयों को चलाने वाला मानने वाला विकारी नहीं तो कौन है? तो क्या कहा मांगना यज्ञ बुरा, समझा किया मैं उम्र भर, किंतु अब मैं मांगने पर मान कर आया था। और फिर सौभाग्य के जब आप सावधानी मिला है, और फिर सौभाग्य की जब आप सावधानी मिला तो फिर मांगने में आज क्यों रखूं कसर? जब आप जैसा धनी मिल जाए अब हम कार को कसर रखें तो मानो मानो कि अलग आया हूं आप जैसा ही बनाने के लिए, अलग आया हूं आप जैसा ही बनाने के लिए, भेंट में लाया नहीं खुशी चढ़ाने के लिए। क्यों भाई कहीं मांगने की आप कटोरा लेके जाने पड़ेगा तेरे? मांगने के लिए जावे कटोरा लेके जाने पड़ेगा कि नहीं? जब तुम मुक्त मार्ग मांगने ले रहे हो तो कार्य लेगी पात्रता चाहिए, विचारना मांगना आता नहीं, चाहना आता नहीं। एक कि मांगने से सब कुछ मिल जाए ऐसी वस्तु मांगो ना, जैसे ज्ञान के क्षेत्र में उसको जानो जिसके जानने पर सारा लोकारोग जानने में आया, फिर किसी अन्य को जानने की अभिलाषा न रह जाए। सारा लोकारोग जानने में आया उसी जय भाव को अगर जानता नहीं और एक 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 विषय को जानने के लिए विषय में अपना उपयोग भरमाता है, विचार करो क्या है ये मोह की, ये मोह की ही छटा है। ऐसी भी कोई वस्तु है जिसके मिलने से सब मिल जाए, जिसके मिलने से सब मिल जाए, है कोई वस्तु उसको यहां मनोरथ कहा? अरे सबकी भाषा उसकी कहा, सब चाहिए कहा, इतने भी जीव है केवल कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अभी कह देना अगर किसी को और कुछ चाहिए भीतर से कहना भाई एक गिलास पानी काय करेंगे प्यास की वेदना, वेदना कर रहे उस वेदना के साथ बोलो जो कुछ भी आप चाहते हो काय के लिए, बोलो एकमात्र सुख के लिए, तो सुख के लिए विचार में एक चौराहे पर एक व्यक्ति खड़ा हो गया। कहां कौन से चौराहे पर? इस चौराहे के समीप ही शिव मंदिर था और उसे दर्शन करना था।
वो पूछता है भैया ये रास्ता किधर जाता है, उसने बता दिया। ये रास्ता किधर जाता है, उसने बता दिया। ये गली किधर जाती है, उसने बता दिया। ये किधर जाता है, बता दिया। अब वो पूछता गया तो उसने कहा भैया तुम्हें समझा हमें तो भगवान के दर्शन करने मंदिर है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है भैया। दशम जिनेन्द्र भवनम भवता भारी दशम जिनेन्द्र रूपम शिव सौखितारी। हमको पैसा चाहिए काय के लिए, हमको भूख चाहिए काय के लिए, हमको स्वर्ग चाहिए काय के लिए, पूरा काय के लिए मकान चाहिए काय के लिए, बार बच्चे चाहिए काय के लिए, बोलो काय के लिए। सुख के लिए कि काय को भटक रहे हो, एक भी रास्ता नहीं है। ये जी फल चाहता है बीज नहीं कि भाई देखो बाहर में तो बीज बोए उसका फल खाने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अपनी चित्त भूमि में धर्म का बीज समस्त का बीज बोए समस्त रूपी बीज बोएगा तो उसके फल तो इस जीव को मिलेंगे। इसलिए आचार्य देव ने क्या कहा मृत्यु स्वामी ने कि आत्मा स्वयं धर्म रूप परिणमित हो, धर्म रूप हो यह मनोरथ है। एक लाइन आपने पढ़ी कभी भगवंतों से गुरुजनों से और वस्तु की याचना नहीं करना। और बेटा क्या कहिए गुरु महाराज आपका आशीर्वाद बना है, गुरु मैंने आशीर्वाद बना तो सब बना है भगवान पर। अगर प्रश्नोत्तर हो जाए बोले भैया क्या चाहिए बोलो, आपकी भक्ति बनी रहे हमारी और कुछ जिसके अंदर में भगवान की भक्ति है उसको कोई कीमत ही नहीं है। मतलब ये है अपने महापुरुषों से अपने परम पुरुषों से भगवंतों से संतों से किसी अन्य वस्तु की याचना करना सदा उचित नहीं, उनके सामने और कोई वस्तु की चाह करना ये अपनी अज्ञान का परिचय देना है। अज्ञान का परिचय हमारा मनोरथ हम सुखी हों अनंत काल का सुखी रहें ये हमारा मनोरथ है। तो भैया ये मनोरथ शुभ सुख चाहने से नहीं है, सुख सुख चाहने के नहीं है। आप अनंत काल तक सुखी रहेंगे लेकिन धर्म मार्ग में लगेंगे तो, और धर्म को सब प्राप्त कर पाएंगे जब धर्म की जरूरत नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ तो एक तरह देखो शास्त्रों में अनेक विक्षाओं से अनेक कथन आते हैं, यहाँ धर्म को चाहना अमृत सिंह स्वामी ने कलश टीका में कलश में क्या कहा आत्मा है देखो, यहाँ क्या कहा देखो सुख नहीं चाहिए, यहाँ क्या कहा धर्म, और वहां धर्म को नहीं आत्मा है देखो, आत्मा का आश्रय होगा धर्म होगा, धर्म होगा वहां सुख होगा। बिना चाहे आत्मा को पहचानने बिना धर्म नहीं होगा, चाहने पर भी नहीं होगा, और धर्म के बिना सुख चाहने पर भी नहीं होगा। इसलिए ये सही अपना है। हमें सुख चाहिए धर्म के बिना, ये वंशा ऐसी है हमें मिठास चाहिए मिश्री के बिना, मिठास चाहिए मिश्री के बिना। गुरु कैसे होगा, अरे और तो और मिश्री की भी आप रखकर के पूजा करोगे तो मिठास नहीं मिलेगा।
मिश्री का भी आस्वादन करोगे तो आपको निषाद मिले। अरे प्रभु, इन भगवंतों से दूर रहेंगे क्या होता है? भगवान भगवान क्या होता है? धर्मवन पुण्य के उदय की नशा में ऐसे भी सोचने और बोलने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक लाइन सदैव याद रखना, पुण्य के उदय में, हाँ बोलो आगे, पुण्य के उदय में किसी को कुछ न समझने वाला पाप के उदय एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाए। किसी को कुछ ये क्यों कह दिया? जब पुण्य का उदय हो अज्ञान दशा में मोह में तो न तो भगवान भगवान दिखाई देती है, न जिनवाणी जिनवाणी दिखाई देती है, न गुरु गुरु दिखाई देते हैं, न दीन दुखी दीन दुखी दिखाई देता है। बस पैसा 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 पैसा। अरे प्रभु, ठीक है कदाचित कोई पाप कर पापा मांगी पुण्य का उदय और पैसा मिल भी गया है, सुख शांति नहीं मिलती और अगले भवों में भी उस पैसा के ऊपर भी कौ तो सांप बैठ कर भी रखाता है क्या कुत्ता बनकर भी रखवाई करता है। उस धन को छोड़ भी नहीं पाता है, बोल भी नहीं पाता है। नाम और पुण्य की बात तो बहुत दूर है, धन को वह नहीं छोड़ पाता, धनियों से छोड़ कर गया। ऐसी स्थिति बनती जब कितना ही धनी हो, कितना ही कोई व्यक्ति हो, जब ज्यादा कष्ट हो तो हे भगवान विचार तो करो। मनोरथ सुख का मनोरथ मत करो, ये आत्मा स्वयं धर्म रूप परिणमे घोर यह मनोरथ है। इसमें एक शब्द और मुख्य समझना, क्या? स्वयं ही धर्म रूप परिणमे को, स्वयं धर्म धर्म कराने की चीज नहीं है, आत्मा दिखाने की चीज नहीं है। देखा जाता है अंतर्मुखी उपयोग से, अंतर्मुखी उपयोग से ना देखे उसे कोई आत्मा नहीं दिखा सकता। जो स्वयं न समझे उसे कोई नहीं समझा सकता। जो स्वयं धर्म रूप परिणमित ना हो उसे कोई भी धर्म नहीं है। दो तीन दिन पहले ये भैया वहां विधान करा रहे दस स्थान, तो एक बस्ती जा रहे थे, हम तो कमरे में बैठे हैं, मेरा जैन धर्म अनमोला। अब बात मसी कर इन्होंने झुकाया तो दुनिया क्या जाने, हम ही नहीं जाने तो मैं कल नुकसान है, तुम्हें क्या परेशान है, तुम जानो। अरे लेकिन वो अमोला, अमोला का अर्थ क्या? सबका जाति की कम है, धर्म मोर नहीं आ गया। मेरा जैन धर्म अनुकूल रहा, मैंने धर्म मोर नहीं आ रहा। तुम सोचो पैसा के पास है, लाख दो लाख दस पांच लाख खर्च कर देंगे, दस बीस लाख खर्च कर देंगे, धर्म हो जाएगा। भ्रम में मत रहना। अरे प्रचुर रूप से धर्म का निर्ग्रंथों तथा में होता है, जिनके पास धन का काम ही नहीं। धर्म मोल नहीं आता है और धर्म का मोल नहीं होता। जिसने हमें धर्म बताया, जिसने हमें आत्मा बताया, उसका क्या मूल्यांकन कर सकते हैं? आपने समय सारी छुट्टी पढ़ी है,
बनावना फर्क कुन्ना रत्नोना अक्षर रखी तथापि कुंद सूत्रों अंकारे मूल ना कर सोने के तो पत्र बनाए और रत्न जड़ित अक्षर लेकर के सारी गाथाओं को उत्कीर्ण कर दे तो भी समय सार का मूल्यांकन नहीं हो सकता। तो फिर कैसे होगा बनाऊ पत्र प्रवृत्तिना अपनी प्रवृत्ति के पत्र बनाओ और उस पर स्वयं भाव से आत्मा 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 ऐसा अंकित करो तो स्वयं भाव से उसका मूल्यांकन। विचार करो माता पिता के ऋण से जीवन भर कोई सेवा करे तो ऋण हो जाएगा लेकिन कैसे ऋण हो जाता है बोलो हो सकते हो सकते ऋण माता पिता ने आपको लौकिक दृष्टि का दृष्टांत दे रहे ध्यान रखना ऋण माता पिता ने आपको बड़े कष्टों से पाला आपकी कोई सारी गिरानी छोड़ करके आपके पालन पोषण किया आपने नाम का भी तो उन्होंने ऐसे पहुंच करके आपने पेशाब का ही प्रभु चले आपने गंदगी का ही प्रभु चले आप बीमार रहे बजरते रहे आपको उंगली पकड़ कर जीते उन्होंने चलो बेटा मन में अपने दर्शन छोड़ गए क्या बात है लोग थे अपने दर्शन छोड़ के आपको दर्शन बेटा अब कितना टाइम लगता है बच्चे को सिखाने में कैसे सिखाया उन माता पिता की बोलो कैसे उन्हें होने की कोई विधि है अगर ऐसी असत्यता हो जाए देखो बालक ये असत्यता वृद्धावस्था में और रोगावस्था में हो जाती है बाहर से ध्यान रखना हमने कहता क्या जैसे छोटी बच्ची को उठाना पड़ता है ना ऐसे ही उस रोगी को और बच्चों का ऐसा उठाना पड़ता है उसकी भी कहीं रात हो जाती है कहीं पानी पी जाता है कहीं वो बेचारा गर्मुखा जाता है उठा कर हमने तो अनुभव किया ऐसा नहीं उस बीमारी के वस्तु हम बच्चे ऐसे उठा दी और उठा कर और ऐसे लगा और लगा कपड़ा ऐसे उतार के पहना है पहुंचा ऐसे पहुंचे मतलब ये सारी ग्रामी को छोड़कर प्रमाद को छोड़कर अहंकार को छोड़कर उनकी समाधि कराना यही एक होती ऋण से पूरे होने की धर्म मार्ग में सहायक होना यही उनके उपकार का प्रतिकार है इसके अलावा दूसरा कोई उपकार नहीं। आपने आपको आपके पिताजी ने जो अनुकरण सिखाया संकट काल में वेदना के काल में पिताजी अनुकरण नहीं सुनाया और हाथ फेरते फेरते सिखाया था उन्होंने और तुम भूलते थे तो ही फिर ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो पिताजी ने भूलते नहीं गए सावधान याद रखो आत्मा जन्म है शरीर मत पर है इसकी चिंता छोड़ो साहब सारे इन विकल्पों को छोड़ो आप तो आराधना में लगो सावधान हो जाओ गुरुजनों की सेवा का मूल्यांकन उनकी समाधि में सहायक होना और उनकी परंपरा को कीर्ति को आगे बढ़ाने में इसके अलावा दूसरा मूल्यांकन नहीं हो सकता उनके लिए नौकर लगा दो उनके लिए एक अच्छी और बात की व्यवस्था कर दो और अपन जाओ बात बात मत करो उनके पास बैठ कर ये कोई सेवा की मूल्यांकन नहीं है उनकी सेवा का मूल्यांकन क्या है माने बीमार की अवस्था में उठकर की आपके लिए रोटी बनाए गर्मी में चूल्हे के पास बैठकर आपने बनाया है अब उसका मूल्यांकन क्या कर सकते हो मूल्यांकन क्या है जैसी बनी है बड़ी शांतता से खाओ पियो
और पढ़ो लिखो खेलो कूदो प्रसन्न रहो, यही उसकी माँ की मेहनत का मूल्यांकन है। अब उसने ऐसी तकलीफ में उठकर कोई रोटी बनाई वगैरह नमक कम हो गया, कैसी बनी हमें नहीं खानी है, ठीक है दीदी हमें नहीं खानी है, ये मूल्यांकन नहीं है। बड़ी शांतता है उसको, खाओ पियो और आप प्रसन्न रहो, यही उसकी मेहनत का मूल्यांकन। ऐसे कोई कोई स्वामी है, अमृतचंद स्वामी ने, जैसेनाचार्य ने, निर्देनाचार्य ने, समन्व स्वामी ने, माने हमारे श्रीशंकरों ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने जो ये तत्वज्ञान का उपदेश दिया है, कोई मूल्यांकन हो सकता है? उनका एक स्मारक बनवा दो, अजय काम संगमरमर पर लगवा दो, लिखवा लिखवा कर, अरे यहाँ लिख लो ये है मूल्यांकन। इनका भाव समझ करके क्या कहा, इन्हें भगवंतों का संकेत समझ करके मुक्ति मार्ग समझ करके मुक्ति मार्ग में लग जाए, यही उनका मूल्यांकन है। मनोरथ मन की अभिलाषा, जैसा मन होता है वैसी अभिलाषा होगी। मोही का मन क्या क्या अभिलाषा करेगा, कामी का मन क्या अभिलाषा करेगा, मानी के मन में क्या अभिलाषाएं होंगी, अलग अलग प्रकार की होगी कि नहीं होगी, ज्ञानी के मन में क्या अभिलाषा होगी, विचारना। बस अंतिम बात कह रहे यार, विचारना। सीता जी महासखी सीता हमारे देश का गौरव, लंका में रावण हरण करके चली गए, बताओ महासखी सीता के हृदय में क्या हो जाता, तीन दिन हो गए रोटी नहीं मिली, रोटी मिल जाए बोलो, कोई पूछने नहीं आया जाए, कोई पूछने आया है, देखो मन तो तरीके से बढ़िया आभूषण करे एक आधा मिल जाए, बोलो कोई अगला था, एक मात्र राम के दर्शन उसकी हो जाए, दूसरी कोई अगला था, यही तो सील है, यही तो पूजिता है। ऐसे संकट काल में एक मात्र राम की अभिलाषा है, दूसरी कोई अभिलाषा नहीं। बाजवा की सारी सामग्री तैयार है, वहां कोई कमी हो रही थी, बस आभूषणों की ढाल हो रही, दस दस में हाथ धो करके खड़ी है, पानी रखा है नहारे, बस भोजन तैयार है, भोजन कर और सीता जी ऐसी बैठी, ऐसी दशा ज्ञानी की होती है, उनके उदय की सारी मूर्तियां हैं, सारे भोग हैं, लेकिन चिंतित मार्ग के लिए अभिलाषा नहीं है, एक मार्ग अभिलाषा है, वही अरे राम के बिना ये सारी सामग्री और इनकी ओर देखना भी पाप है। मां सती सीता मन है क्या मन में विचार करते हैं, राम के दर्शन के बिना है, राम के बिना ये सारी सामग्री इनकी ओर देखना भी पाप है। हमें तो राम दूसरा कोई, यही तो सीता की अलौकिकता है, यही तो पूज्यता है, यही तो महानता है। विचार करना भगवान कैसे बने, कौन भगवान बना, आत्मा है मेरे को, एक आत्मा को पहचान कर आत्मा में विराम लाए भी भगवान बन गए, वही आत्मा में हित है,
वही आत्मा हमें जिस है, जिस आत्मा के आश्रय से हमें बिना विषयों के सुख होता है, बिना ज्ञेयों के ज्ञान होता है, बिना संयोगों की प्रवृत्ता होती है, तो भी सच्ची प्रवृत्ता, शाश्वत प्रवृत्ता, शाश्वत ज्ञान, सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, अक्षय ज्ञान, अक्षय सुख, अविनाशी सुख, मुक्ति सुख, स्वाधीन सुख, वह उस आत्मा को ही धर्म कहा है। और क्या कहा? धर्म की प्राप्ति हो वो मनोरथ है। सुनो, वह प्राप्ति कोई दूसरा नहीं, आत्मा स्वयं धर्म रूप हो यह मनोरथ है। तो स्वयं धर्म रूप हो ना है, इसमें सब कारक आप बता लेना, एक विभा है क्या? स्वयं को समझकर धर्म रूप, स्वयं से ही धर्म रूप, अपनी ही अनुभूति से धर्म, स्वानुभूतिया चकारते विचार करो। ये बल्ब के बाहर की लाइट विद्युत धारा से चमक रहा है, सूर्य काय से चमक रहा है, रत्न काय से चमक रहा है, निशान नसी के मीजिए नसी काय से मिटी है। अरे आज यहाँ स्थानिया हाथ जोड़ रहे, धूप दे रहे, काय से? आज यहाँ भगवान विराजमान है, जिन्माने विराजमान है। इसी मंच पर आप दूसरे लौकिक कार्य कम भी करते होंगे, तब तो आप चार जैसे चले आते, तब तो आप हाथ नहीं जोड़ते आते, खुला करके नहीं आते, तब तो जैसे चले आते आप, आज ये हाथ जोड़ करके आ रहे, वहां से खुला करके आ रहे, वहां ऐसी विनम्रता से आ रहे, क्यों? ये कार्यक्रम मनुष्य भगवान विचार कर। जब यहाँ भगवान विराजमान से स्थान पूजा और पवित्र हुआ, तो यहाँ भगवान विराजमान हो गए, हमारा जीवन पूजा और पवित्र क्यों नहीं होगा? जीवन की पूज्यता, जीवन की पवित्रता, जीवन की शांतता, जीवन की उत्कृष्टता का एक ही उपाय है, हमारे जीवन में भगवान बन जाए, भगवान आत्मा बन जाए, कि आत्मा स्वयं धर्म रूप कर्म में हो जाए। विचार माता पिता का गुरुजन का उपकार
कैसे चुनाया जाता है, उनकी समाधि में सहायक होकर उनकी कीर्ति को बढ़ाकर यदि ये कार्य हमने किया तो सचमुच ये देखना हमने सुनी। ऐसे मंगल वचन महाभारत भी हम सबको प्राप्त हुए हैं, बड़े ही मिलता है कि आपसे जुड़े हैं। अभी भी आपके जो रिश्तेदार नातेदार आने के रह गए हैं, रात्रि में ही उनको फोन द्वारा सूचित करें, सुबह तक सभी यहाँ भगवान की पूजा में जुड़े और पूरी मंत्र के मंगल वचनों का लाभ ले लें। सुबह के कार्यक्रम की सूचना कीजिए। सुबह 7:15 से 8 बजे तक शांति याद, 8 बजे से 9 बजे तक सामूहिक पूजन, 9 बजे से संध्या, 9:30 से सभी परिसर के मंदिर वचन घोषण लेकर रहेंगे। कल दोपहर में 1 बजे से विधान का अध्ययन है, जिन्होंने द्वारा सुंदर भक्ति की है वही समय अपने भावना से सुंदर भक्त है यही मंदिर। एक सूचना है, जो बैनर पर अपन बड़ी बड़ी बातें बहुत सुंदर सुंदर बात है जिनको पढ़ते ही हमको कोई ना कोई प्रेरणा मिलती रहती है। घरों में उतने बड़े बड़े अंदाजा नहीं पाते हैं, इसलिए इन्हीं सब वाक्यों के बहुत सुंदर सुंदर स्टिक करके आए हैं। पहले भी हमने कंपा के अपना जन्मानी के बच्चों के स्टीकर देखे हैं, उससे बताने का है सुबह आपको दिखाएंगे। 11 तरह के स्टीकर उसमें आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर बात उसके अंदर है और मात्र 50 रुपए का स्टैम्प रखा गया है। आप सभी अपने घरों पर लगाएं, अपने रिश्तेदारों को भेंट करें, मंदिरों में लगाएं, यूरोपीय ऐसे स्थानों में लगाएं जहां लोग पढ़े और कुछ ना कुछ शिक्षा दे रहे हैं। वो स्टीकर आपको आगे भैया एक बार दिखा देते हैं इंस्टाग्राम सबके लिए। जैसे गलती छोड़ने का उपाय सही समझना है, काम की बातें करो बातों का काम नहीं। बहुत सुंदर सुंदर आपको करेंगे, आपको बहुत आनंद आया। एक प्रश्न देते हैं, कल्याण के कारण में सत्यनारायण और ज्ञानाध्याय ये मुख्य हैं। बहुत सारे आपको पढ़ेंगे, आपको आनंद आएगा, अपने घर पर भी लगा दें, दुकानों पर भी लगा दें, रिश्तेदारों को भी दे दें। जितना प्रभावना करते हैं खुद प्रभावना के जिंदगी की भावना है, ऐसी हमारी मंगल भावना है। सुबह के कार्यक्रम की जो सूचना आपको दी गई है, आपसे कर्म की भावना इतनी है कि आप समय पर पढ़ाएंगे तो आपको पूजन विराम का लाभ भी मिलेगा और मंगल रचना का लाभ भी भली प्रकार से प्राप्त होगा। तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। परिणाम सोच समाधि मुझ में को दिखा हो तो स्वाभि सौ की भगवान।